इतने बड़े निराश फर्क को समझने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है। एक बहुत बड़े विद्वान को परखने और पहचानने के लिए श्री कृष्ण को कम से कम 20 साल सांदीपन आश्रम में रहकर सीखना पड़ा। सब उस विद्या में भी निष्णात हो सके, चक्र के ज्ञान में निष्णात हो सके, और भीष्म पितामह जैसे शक्ति को भी कहना पड़ा कि आप अपने आप के अन्यतम विद्वान योगी हैं। इसलिए कि उन्होंने उन सब विद्याओं और ज्ञान को प्राप्त किया, और जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता और वह ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के सानिध्य से, लोहे को आप चुंबक से दूर रखें तो लोहा चुंबक नहीं बन सकता है, और लोहे को पारस से दूर रखें तो पारस नहीं बन सकता, स्वर्ण नहीं बन सकता। सोना बनने के लिए तो लोहे को रगड़ खानी पड़ेगी, और वह उस चुंबक से रगड़ खाएगा तो चुंबक बन जाएगा, और शिष्य को भी सहारा देने एक बात रगड़ खानी पड़ेगी, आनी पड़ेगा उस गुरु के साथ, उन गुरु के चरणों के साथ, उनके जीवन के साथ, उनकी मर्यादा के साथ, उनकी पद्धति के साथ, और ये समझना पड़ेगा कि मैं और मेरी व्यवस्था है, मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं पूरे साल पर आपके आश्रम में नहीं रह सकता, मेरा व्यापार है, मेरा ग्रस्त है, मगर आप जो मुझे आज्ञा दे, मुझे गाइडेंस दे, जो मार्गदर्शन दे, उस मार्गदर्शन पर मैं देने को तैयार हूं, जो भी मुझे समझ में पाएगा। हमने आपको तो ठीक किया है, आपको मैं द्रव्य दिया है, आपको वस्त्र दिया है, आपको कुर्ता दिया है, आपके कल्याण को पान पोषण के लिए आटा दिया है, आपको सुनकर है, मगर उसको इकट्ठा करने के लिए हमें वापस परिश्रम करना पड़ेगा। वो अपनी जगह सही है, उसमें मर्यादा वही थी, आज भी मर्यादा वही है। आज कुछ शिष्य या कुछ अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं, मैं गुरुकुल का मतलब स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल में शिक्षा अलग ढंग की, वह शिक्षा है, ये ज्ञान है, गुरुकुल में ज्ञान नहीं दिया जाता, गुरुकुल में केवल साक्ष्य बनाया जाता है, जो निरीक्षण है वे साक्ष्य बनते हैं, चाहे हिंदी भाषा बने या संस्कृत भाषा बने या चांदी भाषा बने, साक्ष्य होना अलग चीज है, ज्ञान मान होना अलग चीज है, ज्ञान उन स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता, बीए पास करने से एमए पास करने से ज्ञान मान नहीं हो सकता। कभी एमए में पढ़े नहीं थे, बीए पास नहीं किया था, मेरा ने हायर सेकेंडरी स्कूल पास नहीं की थी, वेदांत ने किसी स्कूल में तालीम नहीं ली थी, नानक ने कुछ पढ़ाई ज्ञान प्राप्त किया नहीं था, इन लोगों स्कूलों में कोई सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, मगर ज्ञानी कह रहा है, चेतना युक्त कह रहा है। इसलिए ज्ञान और साक्षरता में अंतर है, और ज्ञान प्राप्त किए बिना जीवन का पूर्ण उदय नहीं हो सकता। साक्षर तो केवल हम पढ़े लिखे नहीं, इसलिए पढ़ लिख गए, हम अपनी बात लिख सकते हैं, दूसरों को खड़ा दें कि मैं अच्छा हूं, मेरा भी खराब है, और सामने वाला मेरे भी खराब है, मेरा भी खराब पढ़ ले, और वो भी कैसे पढ़ते हैं, मेरे पास टेलीग्राम आया कि मेरे पास एक शहर का नाम अजमेर, अजमेर से टेलीग्राम आया, काका जी अजमेर गए, काका जी को काका जी कहते, और टेलीग्राम था काका जी आज मर गए, वो अजमेर लिखा था अपने इंग्लिश वालों में छापा अजमेर गए आज मर गए, वहां रोना रोना था पड़ोस में, अम्मी रोने दिए गए क्यों पड़ोस का मामला था, मैं क्या बात हुई कि काका जी मर गए, मैं काका जी कैसे मर गए, ठीक ठाक तो गए थे, तो टेलीग्राम आया, टेलीग्राम को पढ़ा, काका जी आज मर गए, पढ़े लिखे आदमी तो टेलीग्राम करते हैं, टेलीग्राम पढ़ते हैं तो ऐसा टेलीग्राम किया जाता है, ऐसा लिखना तो सही होगा, कहता कि आज मेल गए, अब टेलीग्राम कैसे आते हैं तो आप समझ सकते हैं। मैं साक्षरता भी जरूरी है, बट ज्ञान ज्यादा जरूरी है, ज्ञान में चेतना पैदा होती है, एहसास पैदा होता है मैं कौन हूँ, आखिर तुम क्यों पैदा हुए, उसके पीछे तो मकसद होगा, भगवान ने तुम्हें क्यों पैदा किया, भगवान ने तुम्हें इस जन्म पर दिया क्यों, तुम्हारे मेरे क्यों संबंध बनाए, तुम्हारे और पुरुष और पड़ोस से क्यों संबंध है, ये शिक्षा के माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकता, ये तो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और सिद्धार्थ को उतने बड़े फर्क को जो गुरु को नहीं समझ सकते, तो हजारों गुरुओं से मिलकर एक सिद्धार्थ मिलता है, उस सिद्धार्थ को भी आज दुनिया नहीं समझ सकेगी, एक ग्रंथ से नहीं समझा जा सकता, एक ग्रंथ से नानक सीमानी को भी नहीं समझा जा सकता, उस नानक सीमानी की आलोचना होगी, अगर कुछ बात बोलना तो शायद आप कहेंगे स्वार्थी आदमी है, छली है, धोखेबाज है, कुछ मुझे भला कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, ऐसा तो दुनिया में कृष्ण को भी सैकड़ों लोग दूरी रहती है,
आवश्यक इस बात की एक आपने आकांक्षा हो, एक बढ़ हो, एक बेचैनी हो, एक छटकाट हो ज्ञान प्राप्त करने की। आप कहें कि आपने बुलाया है आपकी जिज्ञासा को दूर करने की, मगर तीन में आपने से किसी ने यह मुझे बोली मुझे आध्यात्मिक दृष्टि का ज्ञान दीजिए, ये साधन दीजिए मुझे, मैं ये चाहता हूँ, मैं एक साधन पकड़ना चाहता हूँ, मैं एक साधन पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि छह महीने साल लगे, डेढ़ साल लगे, दो साल लगे, दस साल लगे, मगर मैं एक बार इसको कंप्लीट करके दिखा देना चाहता हूँ। अभी तो आपने कहा है कि पति बीमार है, आज परेशानी खराब है, वो भी आपका चिंतन है, और इसमें विशुद्ध भाव से बोलता हूँ, तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु, मैं तुम्हारा भौतिक दृष्टि से दुकान धारी का गुरु नहीं हूँ, कि तुम्हें कपड़ा कितना नाप कर जाएगा, ये गर्मी से दोनों कितना नाप कर चाहिए, तुम्हारा पास भाग हो जाएगा, ऐसा शिक्षा तो नहीं, दोस्तों ज्ञान भी नहीं है, कुल 382 साधना और आप 300 से ज्यादा लोगे प्राचीन विद्या कोई बाकी रह नहीं सकती, गण के साथ सारे सफल हो सकती है और फिर कई दूसरे आराम प्रदान की जरूरत है। और इससे पहले इस संस्था को किसी भी संस्था को युग के अनुसार माँ बाप युद्ध लड़ना है तो माँ बाप युद्ध में दो तीन चीजों की जरूरत है, एक रथ की जरूरत है, उड़क में दो घोड़ों की जरूरत है, एक सांप की जरूरत है और एक गदा की या तीर पर कमान की जरूरत है। थोड़ा भाई तुम युद्ध तो लड़ो घोड़े तो नहीं है तो युद्ध नहीं करा जा सकता, और भीम को कहते तुम युद्ध तो लड़ना तुम गदा नहीं दी जाएगी तो युद्ध नहीं करा जाएगा, और उस समय भी युद्ध विद्या के इतने क्षेत्र थे तो कोई गदा विद्या में मधुर था, तो कोई तीर विद्या में मजबूत था, किसी संजय विद्या में मजबूत था, अलग अलग विद्याओं में मजबूत थे। तो मैं भी ऐसा चाहता था कि मैं आप में से कुछ बहुत ही मामूली व्यक्तियों को भी छूं, उन 300 साधना को एक व्यक्ति को एक साधना की आसमान बैठा चिंतन कर रहा था, और पहले तुम दूसरी साधना तुम पड़ोसी साधना तुम युद्ध, और एक ही साथ में 24 घंटे का आदमी पड़ा रहता है, नाई बाहर आकर कितना ही पहुंचा मैं हो जाऊं कितने अच्छे बाल में काट कर इतना काट लेता है, तो 24 घंटे का अभ्यास नहीं, दर्जी का अभ्यास होता है तो आंख बंद करके कपड़ा काट लेता है, और का अभ्यास होता है तो बिल्कुल आंख बंद करके रोटी बना लेती है, और मैं रोटी बनाऊ तो या तो रोटी लंबी हो जाएगी नहीं तो चौड़ी लंबाई कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अब गुरु से मैं बहुत होशियार बहुत अच्छा गुरु बहुत अच्छा पहुंची तो कर सकता हूँ ज्ञान दे सकता हूँ, बहुत रोटी नहीं बना सकता और वो और फिर मैं चुपड़ चला थी अगर बाहर देखिए बना करके फिर कटोरा लेकर के ऊपर डाल सकते और फिर काट सकते वो तो अलग बात है, मगर वो तो आप बिना भी आयो क्या वो तो क्या है क्या है इसका वो साधना में तो गोल रोटी बनाने के साथ में पाती है कुछ बात नहीं, इसलिए जब एक एक ही साधना मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसको उसमें सफलता मिल ही जाएगी, हर आदमी को सफलता मिल जाएगी, इसलिए इस संस्था का जो चिंतन हमारा है वो प्रैक्टिकल चिंतन है, केवल लखा की नहीं है, केवल बातचीत नहीं है, केवल शब्दों का आगमन नहीं है, केवल मैं तुम्हें गालियां भी दे रहा हूँ आज्ञा भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सुझाव भी देता हूँ, मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ, मैं तुमसे घुमा भी करता हूँ, गालियां भी देता हूँ, तुमसे पुरस्कार कर भी तुमसे मिलता भी हूँ बातचीत भी करता हूँ, ये संस्था अपने आप में जीवन और प्राणमान संस्था है, इसलिए कि संस्था के पीछे सैकड़ों हजारों योगियों को वरदान प्राप्त है और उनको इस संस्था को जीवित रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो संस्था को समाप्त हो गई तो संस्था भारतवर्ष में दूसरी है नहीं जो संस्था की तरह सके, ऐसे नहीं है, बहुत मामूली खरपतवार पूरे एमपी में फैला हुआ है, गुलाब का फूल बहुत कम जगह फैलता है, खरपतवार हर जगह उठ जाता है, हजारों हजारों जगह चेहरे तो मिल जाएंगे शिष्य नहीं मिल सकेंगे, शिष्य का मतलब है उपनिषद बनने की क्रिया,
शिष्य का मतलब विरोधी का युक्त किया और शिष्य का धारणा अर्थ है कि पूरी तरह से गुरु में लीन हो जाने की क्रिया, जो गुरु में डूब जाता है उसको शिष्य कहते हैं। उपनिषद का मतलब यही है, उपनिषद बिल्कुल पास आकर सुनने की क्रिया, बिल्कुल पास बैठे भगवान के साथ में गुरु बताए उसको सुने, सुने अपने अंदर उतारे और उतारे इस बात का एहसास करें कि मुझे केवल आज्ञा दी है, इस आदर मुझे एकांत करें, तुम्हारी बाकी समस्याओं का समाधान करने का मुझे दुआई मिली है, अगर तुम्हारे जीवन में परेशानी है बाधा है तो मैं आर्थिक और तुम्हारे गृह जीवन से तुम ठीक करना चाहूंगा, ठीक तो करना चाहूंगा, मुझे कृष्णा का अंत नहीं है। और संघर्ष ने बताया था कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने लिए कमाते हैं और हम अपने लिए पूरी कमा लेते हैं कि अब हमने 10 लाख रुपए खर्च कर लिए, 15 साल और जिंदा रहना है, साल में 20-30 हजार 50 हजार खर्च होते हैं तो 10 साल तक तो बहुत है, अब बेटों की कमाई शुरू करते हैं, बेटे छुट्टी रहे, फिर 5-7-10 लाख कमाते हैं, बेटों के लिए कमा लेते हैं, फिर पोतों के लिए कमाना शुरू करते हैं, प्रश्न कदम है आप गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी समस्या का समाधान तो करने को तैयार हूँ, और फिर पोतों के पोतों के लिए भी आप कमाने ही रखते रहे तब उसका तो गर्मी नहीं होगी, उसके पोतों बाद फिर पोते होंगे, फिर पोते होंगे, बेटे रोते रहे तो नहीं समझ पीढ़ी, आप 20-20 पीढ़ी का बैठा कितना करते चले जाए, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। 21 अप्रैल को और गुरु पूर्णिमा दोनों पर हम अपने आप में पूर्ण इस बात का एहसास करते हैं, साल में कम से कम नहीं मिल सके तो दो बार तो गुरु से मिले ही, और ये मिलना तुम्हारा कर फर्ज है। मैंने इस बात को पिता प्रकाश किया था कि तुम आकर के कोई एहसान नहीं कर रहे, तुम्हारा ऋण है, गुरु का ऋण है तुम पर, उस ऋण को उतारने की यह क्रिया है। मैंने तुम्हें पिछले जीवन में भी चेतना दी है, ज्ञान दिया है, प्रकाश दिया है, रोष दी है, इस बात में तुम्हें रोष नहीं है, तुम्हें ताकतवान है और तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम आज शाम तुम्हें रात नहीं है, यहाँ पर किसी पंडित किसी पुजारी किसी योगी किसी साधु के संन्यास के सामने आकर खड़े हो जाएगी वो तुम सामने नहीं मिला सकता, गाने की बात है, तुम जाकर आप चेक कर सकते हो। और जो कुछ दिया है वो कर्ज है और उस कर्ज के लिए मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए।